हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 झारखंड बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेवन। इसके पहले 1 से 6 तक मैंने सारा बता दिया है, नहीं देखें तो जाकर के देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। सब्सक्राइब जहाँ पर लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सारा लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर सेवन है, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को सभी को फैला। मैं सारा सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरा नंबर है 6204415468। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कि फ्रांसीसी के लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। देखो मतलब जो फ्रांसीसी लोगों के बीच में जो सामूहिक पहचान, मतलब फ्रांस के लोगों के बीच में अपना पहचान बनाने के लिए वहाँ का जो क्रांतिकारी लोग थे, मतलब जो लड़ाई लड़ रहे थे अपना पहचान बनाने के लिए, उन लोगों ने क्या क्या कदम उठाया, ठीक है। तो पहला इन लोगों ने कदम उठाया कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने पहला कदम उसने क्या उठाया कि झंडे को हटाकर, यानी कि जो पहले वाले झंडे था उसको हटाकर एक नया झंडा चुना गया, है ना, यानी कि वहाँ के क्रांतिकारियों ने क्या बदलाव किया। तो पहला बदलाव किया कि पहले वाले झंडे को ख़त्म कर दिया, हटा दिया और नया झंडा को चुना गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि अलग अलग बोली जाने वाली भाषा को छोड़कर एक भाषा सभी को चुना गया, फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा क्यों, क्योंकि फ्रांसीसी का बात चल रहा है तो फ्रांसीसी के लोग क्या भाषा बोलेंगे, फ्रेंच भाषा बोलेंगे ना। तो वहाँ पर जो अलग अलग भाषा बोला जाता था सभी लोगों के द्वारा, वो सभी को हटा दिया गया और बताया गया कि सभी लोगों को एक भाषा बोलना है, सिर्फ फ्रेंच भाषा, ठीक है। और तीसरा है एक ऐसा संविधान बनाया गया, एक ऐसा संविधान, संविधान मीन्स होता है जहाँ पे नियम कानून लिखा रहता है, ठीक है। तो एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें सभी लोगों के लिए समान, यानी कि बराबर कानून बनाया गया, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सभी के साथ बराबर अधिकार हो, सभी को कोई भी काम करने के लिए समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। तो इस तीन प्रकार का बदलाव वहाँ पर किया गया था। पहला, पुराने झंडे को हटा करके नया झंडा गाड़ा गया था। दूसरा, अलग अलग भाषा को बोले जाने वाले लोगों, मतलब जो अलग अलग भाषा बोला जाता था उसको एक भाषा बनाया गया। तीसरा क्या चाहिए कि सभी लोगों के लिए समान अधिकार, बराबर अधिकार वाला संविधान बनाया गया, कि एक ऐसा संविधान हो जिसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।